हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी रीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैनकोड ईसीएस टी10 सीजेक रिपब्लिक की, जो कि मैच होगा यहाँ से ब्रैक टाइगर वर्सेस यूनाइटेड सीसी के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ मिलेंगे आपको पॉन्डिचेरी वुमन T10 के वीडियो, इसके साथ साथ मिल जाएंगे आपको यहां से बुखातिर T20 के वीडियो। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलने वाली। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हो फैंटासी रीजन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 2:30 पर विनोर क्रिकेट ग्राउंड प्रैग सीजेक रिपब्लिक में खेला जाएगा। और पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, ऐसे बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है, तो ऐसे बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हुए टीम बनाएंगे। बाकी एवरेज स्कोर की बात करते हैं, एवरेज यहाँ से 80-100 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं ऐसे टीम PRT की, तो यहाँ से 8 मैच खेली जहाँ से 5 जीत के आ रही है, 3 मैच हार के आ रही है। ओपनिंग की बात करूँ तो ऐसे इमरान बट और यहाँ से शहादत हुसैन दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं, और ये दोनों लगभग कंटिन्यूसली ओपनिंग करवा रहे हैं। दोनों ही अच्छी पिक है एज अ प्लेयर, ऐसे दोनों ही को यहाँ से ट्राई करके जा सकते हो। इवन यहाँ से इमरान बट तो एज अ प्लेयर रहेंगे, लेकिन यहाँ से शहादत हुसैन की बात करूँ तो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए सबसे बेस्ट पिक यहाँ से शहादत हुसैन रहने वाली, तो इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे। बाकी शकीबुल तमीम लास्ट मैच के अंदर 1 डाउन खेले, लेकिन इनको परफॉर्मेंस अभी तक इतना कोई खास नहीं रहा, तो इनको लेना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा। बाकी हसनत की बात करें तो लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी निकाली, इवन बैटिंग से भी 13 रन किया, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहां से कंटिन्यूसली ओवर्स नहीं करवाएंगे, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है इनका ओवर्स करवाना। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रिस्की तौर पर ही लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी आमिर हुसैन एक बॉलर्स तो अच्छे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, तो इनको भी लेके जाना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा। बाकी जटनॉप दीप इनको भी लेना बहुत ही रिस्की है। और यहाँ से बात करो रसेल मिया का, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे बैटिंग के साथ साथ, यहाँ से बॉलिंग भी की लास्ट मैच के अंदर 33 रन किए, साथ में विकेट निकाली, इससे पहले भी उन्होंने कई बार विकेट निकाल चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो यहाँ से रसेल मिया वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे। बाकी तंजीर हसन और ऐसे फैसल अहमद, तो इनको अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता, स्मॉल लीग के लिए तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, ग्रैंड लीग वगैरह में रिस्की तौर पर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी बात करें ऐसे अजहर आलम की, तो ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए, हर एक मैच के अंदर लगभग अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनकी तरफ से, हालांकि कुछ मैचेस के अंदर उनको विकेट में नहीं मिले, लेकिन पिछली दोनों मैच के अंदर विकेट निकाली। इवन राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी है, ऐसे देता हूँ वगैरह में गेंदबाजी के लिए आ सकते हैं। बात करें ऐसे रकीब, तो वो तो लास्ट मैच खेले नहीं थे, मैंने इनको शायद नंबर हटाना भूल गया। बाकी अल महमूद भी एक अच्छी चॉइस बन सकते थे, क्योंकि पिछली कुछ मैचेस के अंदर विकेट तो नहीं मिले, लेकिन बॉलर्स अच्छे हैं, ऐसे टीम की कैप्टनशिप करवा रहे, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी, ऐसे डेथ वॉस वगैरह में गेंदबाजी के लिए आते, तो ऐसे इनको विकेट लेने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बनते, तो इनको आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ से देखो इनका टॉप ऑर्डर में से ये दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले, इमरान बट और शहादत हुसैन, बाकी ऑप्शन सारे ठीक ठाक है। यहाँ से 2 प्लेयर्स है, रसेल मियां और ऐसे अजहर आलम, ये 4 प्लेयर को तो डेफिनेटली लेना है, बाकी किसी प्लेयर के ऊपर आपको रिस्क लेना है तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार किसको ले सकते हैं। ऐसे GM हसानत को अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, बाकी पूरी टूर्नामेंट में इतना कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं इनका। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे यहाँ से टीम वगैरह में चेंजेस वगैरह करने की। देखो 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ से सोजेब मियां, जो कि पहली 3 मैच के अंदर काफ़ी कमाल किया, इसके बाद वो खेले नहीं, अगर खेलेंगे तो इनको डेफिनेटली हमारी टीम के अंदर शामिल कर सकते हैं। अरमान भुइयां भी एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, 10 मैच के अंदर 7 विकेट है, पहले 1 मैच खेले थे जहाँ पर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए विकेट नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद वो भी नहीं खेले। बाकी संजीव हेल्डर ने भी पहली 2 मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया, दोनों ही मैच के अंदर 2 ओवर्स करवाए, 1 मैच के अंदर 2 विकेट भी निकाले, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो इसके बाद खेले नहीं है। बाकी और कोई भी प्लेयर खेलता है इनके स्टेट्स के ऊपर मिलते हैं, तो इनको मैं टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि अपडेट वगैरह आपको ऊपर मिलती रहे, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा
बाकी बात करते हैं हम लोग जहाँ से टीम यूसीसी की, तो 8 मैच खेली है जहाँ से 4 जीत के आ रही है, 4 मैच हार के आ रही है। अभिमन्यु सिंह और यहाँ से प्रियुष सिंह बाघेल दोनों ही ओपनिंग करवा रहे हैं। देखो वैसे तो ओवरऑल रिकॉर्ड इनके अच्छे हैं अभिमन्यु सिंह का, लेकिन अभी तक का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा, थोड़े से रिस्की रहेंगे, इनको लेके जाना विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखते हैं, देख लेते अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो फिर इनके ऊपर रिस्क लेते, बाकी अभी के लिए रिस्की रहेंगे तो इनको ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। प्रियुष सिंह बाघेल वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लास्ट मैच के अंदर वो भी करें, इससे पहले बैटिंग से हर एक मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो, प्लेयर्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ से बात करते हैं यहाँ से आयुष शर्मा की, तो इनके बारे में मैंने पहली मैच से ही बताया हुआ है कि प्लेयर्स काफ़ी अच्छा है, करीबन 40 के एवरेज से रन किए, लेकिन टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उनकी काफ़ी खराब रही है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 29 रन की एक अच्छी पारी खेली, तो एज अ प्लेयर अभी के लिए इनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है ना इनका नाम यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में, तो इनके बारे में लास्ट मैच चर्चा करते हैं। बाकी मुस्तफ़ा नवाज वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन इस बंदे को भी ज़्यादातर पब्लिक कैप्टन वाइस कैप्टन करके आ सकती है, तो आप भी यहाँ से कुछ डिफरेंस करना चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो, एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का रिस्क इनके ऊपर लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी श्यामल जोशी को लेके जाना बहुत ही रिस्की रहेगा क्योंकि अभी तक इनका भी बैटिंग में बैटिंग आना काफ़ी मुश्किल है। बाकी अमित पगारकर की बात करूँ तो इनको एक मैच के अंदर बैटिंग भी मिली हुई है, 16 रन किए हुए, बाकी इनका भी परफॉर्मेंस इतना कोई खास नहीं रहा, तो इनको भी लेके जाना बहुत ही रिस्की रहेगा। विक्रांत गोडारा कभी भी ओवर्स करके यहाँ से विकेट चटका सकते हैं, तो इनको डिफरेंशियल वे में यहाँ से ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी पवन कुकरेजा की बात करूँ तो ओके पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है। जाहिद इकबाल की बात करो तो हर एक मैच के अंदर विकेट ओवर्स तो करवा रहा है, हर एक मैच के अंदर विकेट भी अच्छी खासी, यहाँ से अभी तक का बॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, तो जाहिद इकबाल एज अ प्लेयर एक अच्छी पिक बनते हैं आपके लिए, तो इनको डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए। इवन बात करें ऐसे अमनदीप बिंद्रा, तो ये भी विकेट निकाल लेते हैं लेकिन कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस नहीं रहता इनका, कभी कभी विकेट मिलती है कभी कभी विकेट लेस रहते हैं, तो इनके बारे में लास्ट मैच चर्चा करते हैं, अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ऐसे अमनदीप को लेके जाएंगे। बाकी जहांगीर ने लास्ट मैच के अंदर 1.2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाले, तो आई थिंक शायद आगे भी कंटिन्यू करवा सकता है, हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा सकता है। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा ताकि आपको आसानी रहे ऐसे टेलीग्राम में चेंजेस वगैरह करने की। देखो घनश्याम कुमार ने दो ओवर की गेंदबाजी करते हुए एक विकेट निकाली, इसके बाद वो खेले नहीं, लेकिन इनका नाम आपको दिखेगा विकेट कीपिंग सेक्शन में। और बाकी बात करो बगोली एक अच्छे प्लेयर है, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करवा सकते, लास्ट मैच खेले नहीं लेकिन इस मैच के अंदर वापस एक बार कमबैक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखे चलना है। बाकी गोरहे को लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अर्पण शुक्ला एक बार वापस कमबैक कर सकते हैं आज, और अगर खेलते हैं तो इनको लेके जा सकते हो, इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी और कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टेट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम में सीधे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा क्योंकि अपडेट वगैरह आपको एक बार मिल जाएगी और टीम बनाने में आपको आसानी रहती है। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग की बात की जाए तो ऐसे ए सिंह ही बेहतर पिक रहेंगे, बाकी ऑप्शन सारे ठीक ठाक है। ऐसे टी हसन की बात करो तो टी हसन ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, लेकिन सेफ यहाँ से ए सिंह ही रहेंगे क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी अच्छा है और कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इनको ट्राई कर सकते हो। इससे पहले उन्होंने सेकंड लास्ट मैच की बात करो तो 51 रन की एक पारी खेली थी, यहाँ से देख सकते हो 51 रन की पारी खेली हुई है, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। सॉरी ये तो रहेंगे डेफिनेटली हमारी टीम के अंदर, ये सारे प्लेयर्स को डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करो तो ए शर्मा यानी कि आयुष शर्मा रहेंगे हमारी टीम के अंदर। बात करें ऐसे रसेल मिया और ऐसे जीएम हसानत को मैंने पिक किया हुआ है। देखो ज़्यादातर पब्लिक की बात करूँ तो यहाँ से इमरान भट्ट के लेके जा सकते हैं, लेकिन क्रेडिट इश्यू आ रहा है इसके लिए मैंने इनको पिक नहीं किया, मैं यहाँ से जीएम हसानत के साथ जाऊँगा। लास्ट मैच के अंदर बैटिंग के साथ साथ ओवर्स भी की, विकेट भी निकाली इसके लिए। ऑलराउंडर सेक्शन में सआदत हुसैन यहाँ से पी बाघेल और यहाँ से एम नवाब हमारी टीम के अंदर रहेंगे, बाकी ऑप्शन यहाँ पर इतने कुछ खास नहीं है, तो यही रहेंगे हमारे तीनों प्लेयर्स। बाकी बॉलिंग सेक्शन से ए आलम के साथ यहाँ से जैड इकबाल रहेंगे, जैड इकबाल के साथ यहाँ से एम जहांगीर। देखो ज़्यादातर पब्लिक लेके नहीं जा रहे, 25% सिलेक्शन है, लेकिन इस बंदे ने दोनों ही मैच के अंदर विकेट निकाली है, तो इसके लिए मैंने इनको पिक किया हुआ है। बाकी बिंद्रा को मैंने लिया हुआ है, बिंद्रा की जगह पर आप लोग किन को ले सकते हैं, ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं, यही सेफ रहेंगे और यहाँ से अच्छी पिक यही रहेंगे। तो दोनों की बात करो तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करो तो यहाँ से सहादत हुसैन हमारी टीम के कैप्टन रहने वाले हैं, और वाइस कैप्टनशिप की बात करो तो ऐसे प्रियांशु जो भी प्रियांशु या कुछ नाम है ऐसा पी बाघेल हमारे वाइस कैप्टन रहने वाले। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस किन को कर सकते हो आप लोग, एम नवाब के ऊपर रिस्क ले सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का, ये प्लेयर्स है। बाकी ऑप्शन सारे ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा रिस्की खेलना चाहो या से वन साइडेड लॉस या विन वाला खेल खेलना चाहो तो यहाँ से एक सिंह और ए सिंह के ऊपर रिस्क ले सकते हो, या से रसेल मिया की अच्छी चॉइस बन सकते हैं तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। बाकी सारे प्लेयर्स के ऑप्शन आपको मैंने बता दिए ऑलरेडी वीडियो के अंदर, वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी याद रही ये मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम टेलीग्राम में मिलेगी, फाइनल लाइनअप के बाद, और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स
में मैंने टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, इनके से अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटेसी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो और इसी तरह से वीडियो को आपका सपोर्ट बनाए रखेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।